हम सभी जानते हैं कि जब भी हम फ्लिपकार्ट से नया फोन लेते हैं तो हमारे पास वहाँ पर ऑप्शन होता है अपने पुराने फोन को एक्सचेंज में देने के लिए। हालांकि उतनी बढ़िया वैल्यू आपको नहीं मिलती एक्सचेंज में, लेकिन चलो एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पुराने फोन को फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज करके डिस्काउंट ले सकते हैं अपने नए फोन के प्राइस में। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से एक्सचेंज का जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर एक ग्लिच या फिर एक प्रॉब्लम सामने निकल कर आई है, और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में जो आप सभी को फ्लिपकार्ट पर अपने फोन को एक्सचेंज करते टाइम हो रही है। तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। आपको प्रोसेस तो ऑलरेडी पता ही है कि फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज कैसे होता है फोन, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। ये एक यूजर है, इन्होंने मेरे को यहाँ पर एक डीएम किया है इंस्टाग्राम पे, आपने नहीं फॉलो किया तो कर लेना। ये कह रहे हैं कि हेलो सर, फ्लिपकार्ट एक्सचेंज में आईएमआई नंबर नहीं मांग रहा है, बट डिलीवरी बॉय आईएमआई नंबर मैच करने के लिए पूछता है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अब ये प्रॉब्लम इन्होंने नहीं, इसके अलावा काफी ज्यादा लोगों ने मेरे को पॉइंट आउट करी है कि ये प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट में फिलहाल है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आप सभी को लाइव दिखाता हूं। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं ताकि आपको भी साथ के साथ पता लगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर हमने कर दिया है स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन, और अब चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पर कोई मोबाइल सर्च कर लेते हैं एक्सचेंज के लिए। एक ऊपर देखो और ऑप्शन आ रहा है, एक्सचेंज नाउ हैंड ओवर लेटर, गिव योर ओल्ड फोन 10 डेज लेटर। अब यहाँ पर मेरे को जो चीज समझ आ रही है, जो मैं एक्चुअल में समझ पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये एक्चुअल में वही सीन है, लेकिन आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी फोन है, जैसे मान लो हम आईफोन 13 पे ही एक्सचेंज लगा लेते हैं। ये यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन है, मैं इसे एडिट करके सारे को यहाँ पर अगेन करता हूँ। अब देखो जैसे मेरे पास ये रियलमी का फोन है, अब GT Neo 3D तो अभी शो नहीं होगा, तो हम 7 प्रो को लगा देंगे। तो यहाँ पर 7 प्रो ढूंढ लेते हैं, लेजेंडरी फोन हमारा जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो ये लगा दिया है, और उसके बाद कंडीशन मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है कि ये कंडीशन है। और अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा है, ये वही नई वाली पॉलिसी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। वीडियो काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका आप सभी का, थैंक यू सो मच। तो ओल्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो सब कुछ आ गया है, रिव्यू आ गया, ये प्राइस आ गया आपका, और सारे कन्फर्म एक्सचेंज पे करता हूँ ये कन्फर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर इसने आईएमआई नंबर नहीं मांगा है, मतलब अगर मैं पुराना फोन अपना एक्सचेंज में दूंगा तो भाई जो डिलीवरी बॉय वाला आएगा उसे लेने के लिए, वो आईएमआई नंबर मैच करेगा। वो कैसे मैच करेगा जब हम यहाँ पर ऐप के अंदर वो आईएमआई नंबर मांग ही नहीं रहा? तो ये प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट को प्लीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। और अब जो मेरे को फील हो रहा है ना कि ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो नई पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि हम अपने फोन को एक्सचेंज में देते थे आईएमआई नंबर डाल के, डिलीवरी बॉय जब आपका नया फोन लेकर आता था उसी टाइम आपका पुराना फोन आईएमआई नंबर से मैच करके उसकी कंडीशन देख के ले जाता था। ये बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस था। अब क्या है, नई पॉलिसी आ गई है, उसके अंदर भी वो सेम ही प्रोसेस रहता है, लेकिन फोन आपको डिलीवरी के टाइम पे नहीं देना, पुराने वाला आपको 10 दिन बाद देना है। ये पॉलिसी सुनने में देखने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन इन रियलिटी इसके अंदर भी काफी ज्यादा फ्लॉज हैं कि 10 दिन बाद भी फोन का पिकअप नहीं होता, कॉल करते रहते हैं कोई पिकअप करने नहीं आता। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो आपसे पूरे पैसे डिलीवरी के टाइम पे नए फोन के ले ही लेता है, पुराने फोन के आपके पैसे आपको डिस्काउंट मतलब आपके अकाउंट में भेजता है, एक तरह से फोन बेचने वाली बात होती है। इसकी वजह से ये जो इनकी नई एक्सचेंज पॉलिसी है, ये एक तरह से फेलियर निकल कर आई है। और अब यहाँ पर पुरानी एक्सचेंज पॉलिसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम निकल कर आ गई है कि आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज में लगा रहे हो तो वहां पर आईएमआई नंबर नहीं डाल रहा है। अब मैंने इसके ऊपर जब फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करी थी तो उन्हें खुद नहीं पता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब मैंने उन्हें सब कुछ समझाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने ऐप को अपडेट कर लो, एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। तो ये कुछ प्रोसेस मेरे को बता रहे थे जबकि मैंने ये सब किया, लेकिन एक्चुअल में इसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। बाकी मैं देख रहा हूँ, एक मैं ट्राई करूंगा अपने दोस्त पीसी से एक बार वेबसाइट पे जाके एक्सचेंज में लगा के देखूँ, क्या पता वहां पर आईएमआई नंबर शो हो जाए। क्रोम के अंदर डेस्कटॉप साइट करके एक बार दिखा देता हूँ, क्या पता वहां पर शो हो जाए। तो हम ये हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट को खोल लिया है, ये नई टैब खुल गई है। तो अब यहाँ पर हम कोई एक फोन ले लेते हैं, तो अब हम इस प्रोसेस को अगेन करते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट वाली साइट में जाके। तो यहाँ पर मैं दोबारा से अपना ब्रांड चूज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास है रियलमी, और यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं 7 प्रो और नेक्स्ट कर देते हैं। क्या यहाँ पर आईएमआई नंबर मांगेगा? तो देखते हैं, यहाँ पर भी इसने आईएमआई नंबर नहीं मांगा है,
तो यहाँ पर हम पुराने वाली पे कर लेते हैं और देखो सेम टू सेम है, मतलब ये फ्लिपकार्ट के अंदर स्टिल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है और फ्लिपकार्ट को इस चीज को रेक्टिफाई करना चाहिए एक्चुअल में कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है और इसे सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से उनका ही लॉस हो रहा है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो देखो भाई फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी जब तक फ्लिपकार्ट इसका खुद कोई अपडेट नहीं लेकर आ जाता तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने भी काफी प्रोसेस ट्राई कर लिए है, आप सभी के सामने कुछ और तरीके से ट्राई करा है लेकिन प्रॉब्लम स्टिल्स यहाँ पर सेम बनी आ रही है। बाकी फिर भी मैं ट्राई करता रहूंगा, कुछ भी अपडेट मिलती है तो चैनल पे आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पर भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।